चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्या स्टार्ट करेंगे? रे ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ऑफिशियली रे ऑप्टिक स्टार्ट होने वाला है। इतने लोग बचे क्या? सब बैच में चले गए? अच्छा, कुछ लोग कोरोना में ठीक हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, कोरोना भी मनाना चाहिए। तो रे ऑप्टिक सब पहली बार पढ़ेगा या किसी ने पढ़ ली भी है? पहली बार पढ़ने वाला है? कोई बैचमैन से नहीं आया हमारे पास, तो आप लोग ने टॉपिक पढ़ा होगा ना? अच्छा, वहाँ सर ने पढ़ाया, सर हमने नहीं पढ़ाया। अच्छा, उसके बाद में नहीं देखे, ठीक, कोई बात नहीं, शायद सर अच्छे लग रहे थे तो हमने इसको देखना छोड़ दिया, जब तक सर अच्छा लग रहा था हमने देखा, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते, ठीक है। रे ऑप्टिक्स बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? लाइट के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत मैंने लाइट का आपको बताया था कि लाइट क्या है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी पूछे ना लाइट क्या है, तो लाइट और फॉर्म ऑफ एनर्जी बोले कैसे पता तुम्हें? तो तुम बोला कि धूप में चलो, उसको धूप में ले जाना, थोड़ी देर बाद देखना कि उसका हाथ जो है वो गर्म हो गया, तो तुम उसको बताना कि तुम्हारा हाथ में जो एनर्जी पड़ा ना लाइट के कारण, उसके कारण तुम्हारा हाथ गर्म हुआ। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर और क्या बताएंगे कि लाइट जो है, ये किसको बताएंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? कोई 9th क्लास 10th क्लास का बच्चा अगर तुमसे पूछता है तब बताना, मान लो कोई बड़ा तुमसे पूछे कि लाइट क्या है, तुम इंप्रेशन नहीं माना है, मान लो कोई तुम्हारा फ्रेंड अगर कोई पूछे उसको तुम बताओ कि लाइट इज एनर्जी, तो एनर्जी उसको सुना सुना लगेगा, उसको बताना है लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ऐसा बोलोगे ना सुनने का पागल हो जाएगा, क्या बोल रही है। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर में क्या है? पहला नेचर उसका पार्टिकल टाइप नेचर है, पार्टिकल टाइप नेचर है मतलब उसके पास मोमेंटम, ठीक है, या ऐसा बोलेंगे पार्टिकल टाइप नेचर है क्यों? क्योंकि जब भी लाइट ट्रैवल करता है तो उसके पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और वो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन, ठीक है। अच्छा, फिर लाइट जो है वो वेव टाइप नेचर भी एग्जिबिट करता है। वेव टाइप नेचर का मतलब है कि जो वेव, मैंने वेव के बारे में बताया था, वेव क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रैवल करेगा लेकिन मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये भी सुना होगा ना कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शायद सुना होगा, ठीक है। आज क्या करते हैं, लाइट का जो फेनोमेना है ना उसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। ये जो भारी भरकम सा डेफिनेशन है ना, वो बेसिकली 12th में जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तब ये सब ज्यादा क्लियर होगा। अभी इसका जो ज्योमेट्री पार्ट है वो सीख लेते हैं। तो ज्योमेट्री पार्ट में ना पूरा पूरा जो रे ऑप्टिक्स है ना वो ज्योमेट्री पे बेस्ड है। अगर तुमको ज्योमेट्री अच्छे से आता है तो तुमको रे ऑप्टिक्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन में लिखना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट after being hit by an opaque object, bouncing back of light after being hit by an opaque object, bouncing back of light after being hit by an opaque object, जैसे अभी कोई नया वर्ड नहीं होगा तुम्हारे लिए रिफ्लेक्शन, तुमने दोअर क्लासेस में रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। मान लो एक इस तरह का मिरर, अब मिरर कोई भी शेप का हो सकता है, जरूरी कि प्लेन मिरर कर्व ऐसे ही, मैं कोई भी सरफेस का मिरर बना सकता हूँ। जैसे तुमने देखा होगा कि कभी कभी जो बहुत ज्यादा पॉलिश सरफेस होता है ना उसमें भी अपना चेहरा देखना स्टार्ट हो जाता है, देखा है, मतलब वो भी मिरर के जैसा बिहेव कर सकता है। तो मान लो ये कोई सरफेस था और हमने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, मतलब हमने इसको पॉलिशिंग कर दिया, बात समझ में आ रहा है? हमारे पास कोई सरफेस था और अगर ऐसे ऐसे बना दिया ना, इसका मतलब हमने उसको पॉलिश कर दिया है, एक साइड से ओपेक कर दिया है। अब एक साइड से जब आप ओपेक कर दोगे इसको, मान लो यहाँ से एक लाइट का रे आ रहा है, अब जैसे ही लाइट का रे यहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अब वो रिफ्लेक्ट करके कैसे मूव करेगा, इसके लिए ना रिफ्लेक्शन के दो लॉ सीखे होंगे आपने। क्या क्या सीखा होगा? आपने शायद सुना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ सुन रखा है क्या? बचपन में पढ़ाते होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो आता हुआ रे है इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये जो आता हुआ रे है इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब मान लो मेरे को क्या करना है, लाइट को ट्रेस करना है कि यहां से इस पे हिट करने के बाद लाइट कैसा मूव करेगा, मेरे को ये जानना है।
उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल। अब नॉर्मल जो है ना, तुमने सुना होगा मैथ्स में नॉर्मल यूज करते हैं परपेंडिकुलर के, सुना है क्या? तो यहाँ पर भी नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, जिस भी पॉइंट पर लाइट हिट करेगा ना, जैसे इस वाले पॉइंट पर लाइट हिट कर रहा है ना, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बना देते हैं परपेंडिकुलर ऐसे। अब ये जो परपेंडिकुलर बनाए किसके परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। जिस सरफेस पे लाइट ने हिट किया उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर हमने एक लाइन बना दिया। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये है नॉर्मल। अच्छा ये लाइट का रेखा, ये लाइट का रेखा क्या? नहीं, ये क्या था, जिस पॉइंट पर लाइट ने हिट किया वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसको नॉर्मल बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हमने लॉ में क्या पढ़ा है कि जितने एंगल से ये आएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होना चाहिए। तो ये यहाँ से टकराने के बाद कुछ ऐसा मूव करेगा और जितना ये एंगल फॉर्म हुआ था उतना ही ये एंगल फॉर्म होगा। अब टक्कर खाने के बाद जो लाइन बनता है या जो रे बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एंगल आई का वैल्यू एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ये पहला लॉ है, पहला लॉ है। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, इंसिडेंट रे, ये याद रखना है सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर आप नोट कर लेना। इसका मतलब है कि देखो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे सबको इस व्हाइट बोर्ड में हमने ड्रॉ कर पाया क्या? ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है क्या? ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है ना? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इंसिडेंट रे यहाँ पर था, रिफ्लेक्टेड रे बाहर कहीं पर आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखना कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर ये तीनों मिलने वाले हैं, इसको अपन ने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये इंसिडेंट रे, मतलब आता हुआ रे, जाता हुआ रे और ये नॉर्मल, इनको आप यूज करके एक प्लेन बना सकते हो। मतलब अगर आपने इन तीनों रेज के ऊपर एक पेपर रख दिया ना, तो आराम से उस पेपर में वो तीनों रेज आ जाएंगे। ये ऐसा सीधा से बोल दो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है तीनों एक ही प्लेन में लग रहे हैं। बात समझ में आया? ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल इधर है और रिफ्लेक्टेड रे प्लेन से बाहर है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्शन के दो लॉज है, बहुत सिंपल है। ऐसा कुछ पहले भी पढ़ा होगा ना? हाँ या ना? नो डाउट करेंगे। अब कभी भी रिफ्लेक्शन का पैटर्न ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को बनाना पड़ेगा नॉर्मल। सही से नॉर्मल बना लेंगे। एक बार नॉर्मल बना लिया गया तो याद रखेंगे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। बात समझ में आया क्या? अच्छा एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे दो। मान लो एक रे ऐसा है एकदम सीधा सीधा, इसके इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना? सब 90 डिग्री बोल रहे हैं ना? अच्छा अगर कितना होगा? जीरो, जीरो होगा भाई साहब। ये ऐसा था ना, अब तुम्हें क्या करना है, मान लो यहाँ पर लाइट ने हिट किया तो जहां पर लाइट हिट करेगा वहीं पर नॉर्मल बनाएंगे क्या? इस तरह से नॉर्मल बनाएंगे। अब देखो नॉर्मल और इंसिडेंट है दोनों एक ही लाइन पर है ना? अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक ही लाइन पर है इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो डिग्री। तभी तो देखो यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तभी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। और तुम्हें पता होगा कि जब लाइट ऐसे सीधा जाता है तो टकरा के सीधा वापस आ जाता है, तो लाइट गया ऐसे था रिफ्लेक्शन के बाद सीधा ऐसे वापस आ जाता है। कि आपने अपने कभी ना कभी ऑब्जर्वेशन में देखा होगा कि लाइट अगर सीधा जाता है तो टकरा के सीधा वापस आता है। क्यों सीधा वापस आ रहा है? क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बनना चाहिए ना। तो ये जो लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए। नहीं आया ऐसा समझ में? आया क्या समझ में? ये क्या है? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कितना हो गया? ये 90 डिग्री एंगल। बात समझ में आया? सबको एंगल ऑफ इंसिडेंस पहचानना है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस पहचानना है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल लेना, जो भी एंगल मिलेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सर नहीं आया समझ में? ये आया समझ में? इतना नोट डाउन करेंगे।
थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाना पड़ेगा। तो एक तो आप सबने अपना सबको पता चल गया कि फिजिक्स का नोट्स कौन सा है, एक कॉपी रखना फिजिक्स का। ऐसा नहीं कि एक ही कॉपी है उसी में फिजिक्स भी लिख रहे हैं, उसी में गाने भी लिख रहे हैं, दो बड़ी शायरियां भी लिख रहे हैं, तुम होती तो ये होता। फिजिक्स की कॉपी में सिर्फ फिजिक्स होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। और मल्टीपल कलर यूज करने का कोशिश किया करना, अरे वो पूरा खरीद लेंगे, पूरा बंडल आता है 12 का नाम पूरा। हां पूरा पूरा ब्लू नहीं है, पूरा ब्लू नहीं, क्या मैन ब्लू है क्या, पूरा नहीं अलग अलग कलर। कोई हां कोई देखकर बोले कि बड़ा ही रंगीला इंसान है, ऐसा कोई बोले। तुम लोग रिकॉर्डिंग हो रही है, फेमस हो जाओगे तुम लोग। हाँ फेमस हो जाओ। अच्छा मैं लिख रहा हूँ सर, वही बात है। अरे तू इतना फेमस है, लोग तेरे को तेरे वॉइस से पहचान लेंगे। ये आवाज नहीं जादू है, जादू हो गया क्या? लौकर देखो क्वेश्चन कैसा है ना, रिफ्लेक्शन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऐसा मिरर है पूरा अंदर से क्या कर दिया, पेंट का कैरेक्टर इसको, और ये बोला गया है कि जहां पे इसका सेंटर होता ना वो ओरिजिन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जहां पर ये मिरर का सेंटर होता वो ओरिजिन बताया गया। इन्होंने ऐसा बोला कि एक रे आया, इंसिडेंट हुआ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इंसिडेंट रे जो था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ऐसा कुछ बोला गया। बात समझ में आ रहा है? तो पूछा गया है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, या अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई का वैल्यू पूछना है जब क्या हुआ, इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस के अलोंग था और रिफ्लेक्टेड रे वाई एक्सिस के अलोंग हो जाए। तो ऐसा x और y का वैल्यू ढूंढो जिसमें इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, बता सकते हैं? माइनस वन और वन कैसे पूछा, कौन किसने पूछा, बताया कैसे पूछा वो? सर वो 90 डिग्री पे है ऐसा, हां, और उसको 45 डिग्री, ये मान लो ये रेडियस है ऐसे, यहां से यहां तक r है, r के टर्म्स में बोलो, रेडियस और उसको परपेंडिकुलर अपन को ना जब भी ये बोला गया है कि रिफ्लेक्शन हुआ तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढना है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे,
हमने क्या देखा कि जो इंसिडेंट रे था, आता हुआ रे था, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, और जो जाता हुआ रे है वो वाई एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि? अच्छा, उसमें ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना, और इतना एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई और आर का वैल्यू अगर सेम होना है टोटल 90 डिग्री, तो ईच कितना होगा, 45 होगा। बिल्कुल सर, 45 होगा। शानदार। तो ये भी 45, ये भी 45। अच्छा, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो ये जितना एंगल होगा ये भी उतना ही होगा क्या? इसको बोलते हैं ना करेस्पॉन्डिंग पेयर्स, ऐसा बोलते हैं। अभी देखो, x का और y का मेरे को क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। मैं थोड़ा डायग्राम में बनाता हूं। x का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो x हुआ गया, ओरिजिन से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो x होगा ना। और y क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस यहां पर होता ये y हो जाता क्या? सर नहीं आ रहा समझ में, डायग्राम समझ में आ रहा सबको? और मेरे को क्या पता है, ये जो ग्रीन वाला लाइन, जो हमने ग्रीन वाला लाइन बनाया था, ये यहां से यहां तक ये रेडियस है क्या? अगर ये रेडियस है, ये एंगल पता है, तो x का वैल्यू r cos 45 लिखेंगे क्या? सर नहीं आया समझ में, x का वैल्यू r cos 45 लिखेंगे, सबको समझ में आ रहा है? x का वैल्यू r cos 45, और ये y अगर है तो ये r sin 45 होगा। या ये भी बोल सकते हैं ना, ये एंगल तो 90 डिग्री है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हुआ। मतलब यहां से यहां का लेंथ और यहां से यहां का लेंथ सेम होना चाहिए क्या? क्यों सेम होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। और x और y का वैल्यू अगर लिखोगे तो दोनों या तो r cos 45 बोल दो या r sin 45 बोल दो, बोल सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड, x का मैग्नीट्यूड और y का मैग्नीट्यूड r cos 45 है। r cos 45, cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये r upon √2 हुआ क्या? अच्छा, लेकिन x जो है वो ओरिजिन के पीछे चल रहे, तो x का वैल्यू अगर लिखना होता है, x कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो माइनस में r by 2 लिखेंगे, ये माइनस को लेके समझ में आ रहा है? और अगर y लिखना है तो प्लस में r by √2 लिखेंगे। सर नहीं आया समझ में, सबको समझ में आया? बहुत ही आसान था क्या? हाँ या ना, सबको समझ में आया, प्रॉब्लम नहीं है? तो ये नोट डाउन करना है और मेरे को इसका आंसर बताना है। रे ऐसे आया, ठीक है, और टकरा के ऐसे चला गया 60 डिग्री एंगल पर। तो फिर से ये x1 कॉमा y1 का वैल्यू बताना है। पहले आपने ड्रॉ कर लो, फिर ये कोशिश करो। ये इंसिडेंट रे था, आता हुआ रे, और ये कपड़े जरूरी है, लेकिन मेरे को ये नहीं, दिन में शादी का क्या है? अभी लोग उठ ही रहे हैं, चलेंगे बता, चलो तो शादी दिन में होती है। अच्छा, रात में कुछ और रात में सच है, सुबह शादी रात में सच, दूसरे दिन तो फिर शादी सुबह की होगी। उनकी शादी है, ये ड्रॉ करो और इसका आंसर बताओ। मतलब पिछले बार तो जैसे इस बार तो कोरोना था ना, पिछले बार हमने गणेश विसर्जन किया था, तो जबरदस्त हुआ था, मतलब खूब मजा आया। अरे अमरावती में तो होता ही है यार, बेस में, बेस में ये भी नहीं लगा, इससे पहले के पहले साल हमने हमारे टाइम को कोरोना ही हुआ, शायद जब तुम लोग 12th में होता तो इससे कोरोना आ गया था, वो ऐसे ही कोई कोरोना बोल लेके आ गई, आगे का पास संभाल ना। अरे कुछ नहीं, लावा है वो, ये ड्रॉ कर लिया गया सर, सॉल्व करते हैं। चलो
शादी है मुझे नहीं इस बात का गम मेरे को भी शादी तो आपकी एज क्या है एज अभी मेरी 28 साल है पटना से रांची से जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पैटर्न नहीं पैटर्न क्या फिक्स याद रखोगे जहां पर भी हिट किया ना वहां पे नॉर्मल प्लॉट करोगे तो पहले तो अपन क्या करते हैं नॉर्मल दिखा अच्छा थोड़ा समझदारी दिखाना डायग्राम नॉर्मल को डॉटेड से दिखाना पैटर्न है जो याद करना पड़ेगा ठीक है तो अपन ने क्या किया नॉर्मल बना दिया ऐसे अच्छा ये नॉर्मल ना हमेशा सेंटर से पास होता है ये आगे जाके नहीं तुम तो मैथ वाले नहीं हो ना मैथ वाले ना मैथ वाले हैं तो वो जाने क्या टैंजेंट और नॉर्मल नॉर्मल जो होता है ना वो हमेशा सेंटर से पास होता है नहीं अगर मैथ वाले को कोई दिक्कत नहीं ये याद रख सकते अच्छा अगर ये टोटल 60 डिग्री का था तो ये एंगल 60 हो जाएगा और ये एंगल भी 60 हो जाएगा बोल सकते ना ऐसा ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा फिर थोड़ा बहुत अगर ना डायग्राम को वापस से समझा जाए यहाँ से यहाँ ये जो ट्राइंगल इसमें यहाँ से यहाँ की दूरी ये जो दूरी है वो x1 हुआ ना और यहाँ से यहाँ वाली दूरी जो है वो y1 हुआ गया ये अगर 30 डिग्री है अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री होगा क्या समझ में आ रहा कैसे सबको समझ में आ रहा क्या चेक कर लो देख लो अपने पास क्या है ये मेरे पास क्या बोलते हैं उसको ट्रांसवर्सल और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया ना तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया अभी अपने को पता है कि यहां से यहां की दूरी ये जो दूरी है ये रेडियस है ना तो x1 जो होगा वो r cos 30 हो जाएगा ना और r by 3 है जो भी है और x2 जो होगा वो r sin 30 हो जाएगा अच्छा अभी दोनों प्लस होने वाले हैं ना क्योंकि x1 और y1 दोनों ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं क्या उल्टा हो गया क्या मतलब जो डायग्राम है सर x1 ये x1 है तो x1 हो गया r cos 30 सही है ना ये r जिसके साथ एंगल बना होगा cos जाता है क्या तो ये r cos 30 और ये r sin 30 r cos 30 का वैल्यू जो लिखोगे cos 30 होता है √3/2 तो ये हो जाएगा r √3/2 और ये हो जाएगा r / 2 ये दो आंसर है y1 x1 के साथ y1 3 नहीं आया ऐसा समझ गए मुश्किल है क्या एक बार फिर से देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले काम क्या करना नॉर्मल प्लॉट करना ये नॉर्मल बना दिया अपन ने और नॉर्मल जो होता है वो सेंटर से पास करता है ठीक है अब अगर ये टोटल 60 डिग्री का था तो आधा एंगल इधर हुआ आधा एंगल इधर हो गया ये 30 डिग्री बच गया अगर ये 30 डिग्री है देखो ये पूरा ट्रांसवर्सल है और ये लाइन तो पैरेलल है ना तो जितना एंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ होगा उतना एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा तो ये मैंने 30 बता दिया अब यहाँ से यहाँ तो रेडियस था ना अगर ये रेडियस है तो ये लेंथ क्या लिखेंगे आर कॉस 30 और ये लेंथ क्या लिखेंगे आर साइन 30 तो एक्स वन का वैल्यू कितना हो गया आर कॉस 30 y1 का वैल्यू r sin 30 वैल्यूज पुट किया आंसर आ गया रिफ्लेक्शन पे बेस सिंपल क्वेश्चन ये देखो फिर लिखना प्लेन मिरर अभी एक दो लेक्चर प्लेन मिरर ही चलेगा और प्लेन मिरर बहुत अच्छा अच्छा ज्योमेट्री आएगा यहाँ पर बुक्स में तुमको नहीं मिलने वाला प्लेन मिरर जितना मैं बताऊंगा तो एकदम ध्यान से देखना तुम देखो तुम कोरोना से लड़के आ रहे हो तो कुछ सीख के जाओ ना ठीक है शादी वाले तो नहीं मान रहे नहीं भाई शादी तो करेंगे कोरोना है चाहे जो है शादी करेंगे तभी तो पैसे
पैसे कहाँ पर चाहिए? अच्छा मैं नहीं कैसे बचाएंगे देखो शायद थोड़ा बहुत प्लेन मिरर तुमने पहले भी पढ़ा हो, इस तरह का सुबह शाम देख के आते हैं खुद को प्लेन मिरर पे, कहीं भी जाते हैं एक बार मिरर में खुद को जरूर देखते हैं। तो ऐसा एक सरफेस है और बाहर से पॉलिश कर दिया, ठीक है। अच्छा इसका एक्चुअल डेफिनेशन ना प्लेन मिरर का तब बताऊंगा जब स्फेरिकल मिरर बताऊंगा तब, अभी बस इतना लिख लो कि प्लेन मिरर इज अ मिरर हूज रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये सब बाद में सोचना है, बस इतना लिख लो प्लेन मिरर इज अ मिरर हूज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेंडिंग टू infinity. ठीक है? एक ray diagram बनाओ एकदम ध्यान से देखना। मान लो ये हमारा plane mirror है और ये कुछ नहीं, बस मैंने एक line बनाया, ये line का कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस line से हम क्या करते हैं ना, ये जो mirror है mirror से कुछ दूरी पर एक object करते हैं, एकदम points of object, ठीक है। ऐसा समझ लो कि प्लेन मिरर था, उसके सामने एक पॉइंट एक डॉट बना दिया, मैंने एक ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है या समझ लो ये लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स मतलब बल्ब मान सकते हैं ना। अब अगर ये बल्ब है तो बल्ब से लाइट हर जगह जाएंगे, इधर जाएंगे हर जगह, इधर जाएंगे हर जगह। अच्छा इसमें से कितने रेज निकलेंगे, एक या दो निकलेंगे क्या? इनफाइनाइट रेज निकलेंगे ना। अब इनफाइनाइट रेज निकलेंगे लेकिन हम इनफाइनाइट रेज तो नहीं बना सकते ना, हम जितना जरूरत हो उतना ही बनाएंगे। अब तुम ये सोचो जो रेज इधर गए वो अपने मतलब के हैं क्या? वो तो इधर चले गए, उनसे तो अपने कोई लेना देना है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो बल्ब है उससे सिर्फ यही रेज कंसिडर करेंगे जो इधर जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब इधर कितने रेज गए होंगे? इनफिनिट बाय 2, इनफिनिट बाय नहीं तो कितने गए होंगे, नंबर बता सकते हैं क्या? इनफिनिट बाय 2 है क्या? अगर टोटल इसमें से इनफिनिट निकले तो इसमें इनफिनिट बाय 2 आपको दो रेज बनाना है, मैक्सिमम कितना भी बना सकते हो, मिनिमम दो रेज बनाना है, मैक्सिमम आप कितना भी बना सकते हो, ठीक है। अब रेज बनाना स्टार्ट करते हैं, तो रेज बनाते हैं, मान लो कुछ अलग कलर यूज कर रहे हैं, ऐसे मैंने एक रे भेजा ऐसे। अब ये जो था ये इंसिडेंट रे था, मैं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी कर लेना बाद में। अभी देखो ये जो रे है ये रे क्या करेगा, अभी इसको मैं देखना, ठीक है। ये रे इधर गया, जैसे ही इधर हिट करेगा नॉर्मल प्लॉट करना पड़ेगा, जब तक अपन नॉर्मल नहीं बनाएंगे तब तक रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपन ने बनाया ऐसे परपेंडिकुलर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जितने एंगल पर हिट करेगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करके वापस भी चला जाएगा क्या? तो ऐसा तो चला गया ना, ये आता हुआ रे इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा ही कुछ होगा क्या? और रेस लेते हैं, मान लीजिए इंसिडेंट रे 1 इंसिडेंट रे 2 लेते हैं, मान लो इंसिडेंट रे 2 मैंने ऐसे डायरेक्टली मिरर के पास दे दिया ऐसे। अब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? 0। तो वो भी ऐसे ही वापस चला जाएगा, इसको भी अपन ने क्या कर दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, आके ऐसे वापस चला गया ना। हम क्या करें, इसको जबरदस्ती ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें। एक और ले लेते हैं टाइप 3 रे, मान लो जो नीचे की तरफ गया होगा ऐसे,
फिर से यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट करेंगे, नॉर्मल प्लॉट करेंगे और ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ मूव करके जाएगा। अब ये अगर ऐसा कुछ मूव किया तो फिर से इसको बैकवर्ड डिवीजन प्रोड्यूस करोगे, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे 3 है, ये इंसिडेंट रे 3 है। अब मान लो ये थीटा 1 एंगल है, ये थीटा 2 एंगल है, ये थीटा 1 तो ये भी थीटा 1, ये थीटा 2 तो ये भी थीटा 2। बात समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या किया है यहाँ पर, नहीं भी तो इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज इसको हिट कर सकते थे, उसमें मैंने तीन तरह का रे ले लिया। एक मैंने इससे कुछ ऊपर का एक रे ले लिया, अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, 60 कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इधर का एंगल और इधर का एंगल सेम हो। लेकिन जब आप देखोगे ना तो जितने भी रेज यहाँ पे गए थे ऑब्जेक्ट से, जितने भी रेज यहाँ पर गए थे सब रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गए, इस साइड आ जा रहे क्या वापस, उन सारे रेज में अगर आप देखो जैसे ये रे इधर चला गया, ये रे इधर चला गया, ये रे इधर चला गया, तो ये जो रिफ्लेक्ट होके रेज आए थे वो इस साइड कभी मीट कर पाते क्या? ऐसे ऐसे रेज, रेज जो है वो ऐसे चले गए ना, तो ये जो रेज जा रहे थे यहाँ पर वो इस साइड कहीं पर मीट कर पाएंगे क्या? सब सबकी टेंडेंसी डाइवर्ज होने की है ना, अब सबकी टेंडेंसी डाइवर्ज होने की थी इसलिए हमने क्या कर दिया, सारे रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके देखो। तो जब सारे रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके देखोगे ना तो ये सारे रेज एक पॉइंट से आते हुए लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सारे रेज जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहे हैं। अब ये डॉटेड लाइंस को क्यों यूज किया है, क्योंकि ये एक्चुअल में रेज नहीं है, एक्चुअल के रेज को यहाँ से आके यहाँ चले गए, यहाँ से आके यहाँ चले गए, यहाँ से आके यहाँ चले गए। हमने क्या सोचा कि भाई इधर तो कोई अपने को इमेज बनना नहीं, तो हम क्या कर रहे थे, जो भी रेज थे ना उसको बैकवर्ड रिफ्लेक्टेड रेज जितने भी सबको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, सबको जब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया तो हमें ऐसा दिखा कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर निकल रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर निकल रहा है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट का इमेज, और कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। अब शायद तुमने रियल वर्चुअल कभी पढ़ा हो, रियल रियल इमेज कैसे बनता है, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज होता, जैसे ये जो रेज थे ना यहाँ पर अगर यहाँ कहीं पर इंटरसेक्ट करते ना, जैसे मान लो ये रे और ये रे अगर आके ऐसे एक रे यहाँ से ऐसा आया, एक रे यहाँ से ऐसा, ऐसा अगर आके इंटरसेक्ट करता तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज के कारण अगर इमेज फॉर्म होता तो उसको बोलते रियल इमेज। यहाँ पर एक्चुअल में इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं ना, हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में रेज को प्रोड्यूस किया तब जाके ऐसा लगा कि रेज यहाँ पर मिलते, ये एक्चुअल में मिले हैं क्या? नहीं। तो इस तरह का जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। समय को नहीं समझ में आया, सर आएगा समझ में? अब यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ, ये जो इमेज फॉर्म हुआ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपने को याद रखना पड़ेगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज है सर? सबसे पहला प्रॉपर्टी अपन बोलेंगे इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है कि वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट के रेज से नहीं बना है, वो रेज को जब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया गया तब जाके बनता हुआ लगा। बात समझ में आ रहा है क्या? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिखना है, मैं थोड़ा बहुत ना ज्योमेट्री यूज कर रहा हूँ, तुम देखना अगर तुमको समझ में आएगी। मैं बोल रहा हूँ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, ध्यान से सोचना, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल है, और जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, और ये एंगल इक्वल हो गया 90, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और ये कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या? अच्छा, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो रिमेनिंग साइड होते हैं वो भी तो इक्वल हो जाता है सर। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं ना कि ओ से मिरर की दूरी और मिरर से इमेज की दूरी सेम है क्या? अब मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है उसके लिए लेटर यूज करेंगे यू। आज के बाद से जब भी मैं लिखूं यू तो समझ लेना वो ऑब्जेक्ट की दूरी है, कहां से? मिरर से, ठीक है। अच्छा, मिरर से इमेज की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वी। तो आज के बाद से जब भी वी लिखेंगे तो समझ जाएंगे वो दूरी है, इमेज की दूरी मिरर से। यू और वी एक तो वेलोसिटीज में हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था फिजिक्स में कॉन्स्टेंट्स की भारी कमी है, एक जैसे कॉन्स्टेंट बार बार यूज करेंगे, तो जब भी अगर मैं बोलूं यू, आज के बाद से जब भी मैं बोलूंगा यू तो समझ लेना ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से, वी बोल दिया अगर जाए तो मिरर की इमेज की दूरी मिरर से, नहीं आया ऐसा समझ में? तो हमने ये प्रूव कर लिया क्या कि यू का वैल्यू वी के इक्वल है, ये कोई तुम एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हमने यहाँ से ज्योमेट्री यूज करके देख लिया ना, तो अपन क्या बोलेंगे, अरे कोई भी, मेरे को बस ना इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो रुको जो तरीका अच्छा लगे तो उसे प्रूव कर ले,
एक बार तूने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया तो सीपीसीटी से यूज करके कॉन्ग्रेंट पार्ट्स और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को यूज करके ये बोल सकते ना यहाँ से आपकी दूरी और यहाँ से आपकी दूरी सेम है तो बस मेरे को वही चाहिए। तो सेकंड पॉइंट अपन ने क्या लिखा U equals to B। सर नहीं आया समझ में, आया क्या समझ में? आया ना। अभी ये मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, बहुत छोटा नहीं और कुछ मतलब इसका तुम लोग ने पढ़ा होगा पॉइंट मास नेगलिजिबल, इसके रिस्पेक्ट में नेगलिजिबल नहीं। देखो जब भी मैं बोलूँ ना पॉइंट मास पॉइंट ऑब्जेक्ट तो समझ लेना इन दूरी के सामने इसका जो खुद का डायमेंशन होगा वो नेगलिजिबल होगा। जैसे अगर ये बल्ब मान लो राउंडेड शेप का बल्ब तो कुछ रेडियस वेडियस होगा ना, तो इसका रेडियस अगर यहाँ से यहाँ के दूरी के सामने नेगलिजिबल, जैसे मान लो ये जो दूरी है वो 2 मीटर का है और ये जो इसका इसका जो डायमेंशन होता वो 2 × 10⁻¹ का होता, तो ये 10⁻¹ है और ये मीटर्स में 2 मीटर्स, इसका मतलब ये दूरी के सामने सब खुद का डायमेंशन बहुत छोटा है। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को अपन बोल देंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स ऐसा कुछ बोल देंगे। नहीं आया ऐसा समझ में, बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना, कुछ मुश्किल लगे तो पूछ लेना। सबको ये समझ में आया है? नो डाउट करेंगे। ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से रेज गया ये रे यहाँ चला गया। हाँ तो फिर और कोई रे आते हैं मुझे लाते हैं, सिर्फ एक रेस इमेज नहीं बनेगा, मिनिमम 2 रेस चाहिए, मिनिमम 2 रेस का इंटरसेक्शन करा दे इमेज बन जाएगा। ठीक है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ये पूछा गया। ट्राई करो
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ये डायग्राम बना लो, फिर सोचो कि इमेज का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और मिरर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मिरर और इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए. डायग्राम ड्रॉ करो, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है. डायग्राम ड्रॉ कर लिया क्या? कितना किसी का आंसर दिया गया क्या? नहीं, कोई नहीं, चलो देखते हैं. याद क्या रखना है, ये मिरर हो गया. अच्छा, यू और वी, वो यू जो है वो हमेशा मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये याद रखना. यू लिख रहे हैं या वी जो लिख रहे हैं ना, वो मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे क्या? नहीं आया ऐसा समझ में, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास. अब अगर ये परपेंडिकुलर है, यहां से यहां का लेंथ कितना था? ए. तो ये दूरी बता सकते हैं क्या? ये ए है, ये 30 है, ये 90, ये दूरी बता सकते हैं क्या? 90 के ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनस होता है ना, और एंगल का ऑपोजिट उसका परपेंडिकुलर होता है क्या? नहीं आ रहा है समझ में. किसी भी ट्रायंगल में एंगल के ऑपोजिट उसका परपेंडिकुलर और 90 डिग्री ऑपोजिट उसका हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन बताता है? साइन बताता है ना. तो अगर मैं लिखूं साइन 30, इस ट्रायंगल को देखिए, अगर मैं लिखता साइन 30, तो साइन 30 को अपन क्या लिखेंगे? अगर मैं इसका नाम रख दूं, मान लो ये अपना ओरिजिन था, ओरिजिन को कुछ लिखा, नहीं नाम नहीं रख पाएंगे, ओरिजिन रखना पड़ेगा. ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में अगर साइन 30 वाला लिखूं तो परपेंडिकुलर ये हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया. तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? पी अपॉन ए. सर नहीं आ रहा समझ में. सर अब पी का वैल्यू अगर आप निकाल दोगे यहां से, तो वो ए इंटू साइन 30 हो गया. साइन 30 हाफ होता है, तो पी का वैल्यू ए बाई 2 हो गया. क्या इसका मतलब? ऑब्जेक्ट और मिरर का ये जो परपेंडिकुलर गैप है वो a by 2 है क्या? अच्छा, जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतने ही दूरी पर इमेज होना चाहिए. तो अगर इमेज होना चाहिए तो कहां पर होगा? ये है, तो यहां से परपेंडिकुलर a by 2 आना पड़ेगा. तो इमेज जो होना चाहिए वो यहां कहीं पर होना चाहिए. कितने दूरी पर? a by 2 के दूरी पर. अच्छा ठीक है, और मिरर से जितने एंगल पर इधर होगा उतने एंगल पर इधर के होना चाहिए. अगर ये डिस्टेंस, तो यहां से आपका डिस्टेंस सेम है और यहां से आपका डिस्टेंस सेम है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी होना चाहिए क्या? सर नहीं आ रहा सर समझ में. ये इमेज बन गया क्या? सबको समझ में आ रहा ना इमेज कहां पे बना? अगर ये 30 डिग्री है और तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो जितना एंगल इसने सबटेंड किया होगा उतना एंगल ये सबटेंड करेगा. तो ये टोटल 60 डिग्री का बन गया क्या? अभी मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ये a और ये 60 डिग्री. इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने का मतलब है इसका x और इसका y कोऑर्डिनेट ढूंढना है ना. अब मैं x और y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए डायग्राम में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, डायग्राम थोड़ा बना रहा हूं, ध्यान से सोचना. तो यहां से यहां x कोऑर्डिनेट होगा क्या? सर नहीं आ रहा समझ में. सर अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखता तो ये जो दूरी होगी वो x होगा ना, और यहां से यहां जो परपेंडिकुलर गैप होगा वो y होगा क्या? नहीं समझ में आया तो बोलना. यहां से यहां ये y होगा और यहां से यहां x होगा. अच्छा मेरे को x लिखना है, मेरे को पता है कि कौन सी दूरी, ये यहां से यहां ये पूरा a है ना, ये लेंथ पूरा a है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? ये a है और ये पूरा 60 है, तो जो ये रेड वाला डिस्टेंस है वो a cos 60 होगा क्या? ये पूरा 60 डिग्री था, यहां से यहां a था, तो जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे cos जाता है, तो जो x कंपोनेंट है यहां पर वो a cos 60 हो जाएगा. हां यार, और जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट a sin 60 हो जाएगा. अब वैल्यू पुट कर देंगे cos 60 sin 60 का, तो अपने को आंसर मिल गया. सर नहीं आया समझ में, वापस एक बार बताओ क्या? ग्रीन वाला नहीं समझ में. देखो पहले पहले अपन ने बोला कि यहां से यहां का मैंने डिस्टेंस फाइंड, वो नहीं भी फाइंड करो तभी कोई दिक्कत नहीं. मैंने यहां से यहां का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, वो कितना मिला मेरे को? a by 2.
ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और मिरर की जो दूरी होगी और मिरर और इमेज की जो दूरी होगी दोनों सेम होना चाहिए ना, अभी तो पढ़ा था यू और वी का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ मेरे को ए बाई टू मिल गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो अब मैंने देखा कि जितने एंगल पर ये मिरर से जितने एंगल पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतने ही एंगल पर इमेज भी होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी सेम है, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 होना चाहिए ना, तो टोटल एंगल 60 डिग्री हो गया क्या? अच्छा, यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर ए है तो ये लेंथ भी तो ए होना चाहिए। अब मेरे को ना एक्स और वाई निकालना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये ट्राइंगल देखो, मैं ये ट्राइंगल जो बोल रहा हूँ, ये ब्लैक, ये येलो, रेड और ये ग्रीन, इसका यहाँ से यहाँ ए है, इसका कॉस कॉम्पोनेंट ढूंढेंगे तो रेड वाला वैल्यू मिल गया ना, और इसका साइन कॉम्पोनेंट ढूंढेंगे तो परपेंडिकुलर मिल गया था, जिसके साथ एंगल बनता है। देखो ये ए था, ये डायग्राम मैं अलग से बना दूंगा, अगर देखो ऐसा कुछ, ये ए था ऐसा, ठीक है, इसका एक्स कॉमा वाई तो ढूंढ रहे हैं ना, तो ये पूरा 60 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ ए कॉस 60 हुआ जिसके साथ एंगल बना, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहां पे साइन जाता है, तो ए साइन 60 यहाँ पर हो जाएगा, तो वही तो कैलकुलेट करके लिख दिया ना, वो जो ग्रीन वाला लेंथ है वो वाई है, उसका वैल्यू हो जाएगा ए साइन 60, और जो रेड वाला है उसका लेंथ है ए कॉस 60। सिंपलीफाई करेंगे जो भी होगा आंसर होगा। नहीं आया ऐसा समझ में? अभी आया क्या समझ में? पक्का पक्का समझ में आया? नो डाउट कर लेंगे। डायग्राम बहुत ही समझदारी से ड्रॉ करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिखे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कलर पेंस लेके आना, कलर पेंस लेके आओगे तुम्हें सहूलियत होगी पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग में। इस बार ना जो प्लेन मिरर है ना वो इतना छोटा सा हवा में तैरता हुआ, ठीक है,
ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाता है, इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, पहला क्वेश्चन ये क्या लगता है, इमेज बनेगा नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगा, इमेज बनेगा क्या? अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से यहाँ का दूरी यू है तो कितने दूरी में बनेगा, वी का वैल्यू क्या होगा, यू रहेगा क्या? सबको लग रहा है इमेज बनेगा, क्यों लग रहा है इमेज बनेगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मिरर तो हवा में टहलता हुआ रेज आएगी, ठीक है बिल्कुल। अपन क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कितने रेज दो रेज चाहिए ना, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे कितने रेज हिट करेंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज हिट करेंगे ना, तो हमने क्या किया उस इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज में से कोई भी दो रे अज्यूम कर लिया, अब ये पहला रे है ये दूसरा रे, आप क्या देखोगे जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा इसका इमेज हो जाएगा, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ मिरर, मैं अभी इससे पहले वाले केस में मिरर का लेंथ अच्छा खासा लिया था ना, लेकिन अभी मिरर का लेंथ बहुत छोटा है, मान लो मैं मिरर का लेंथ बहुत छोटा करके नेगलिजिबल भी कर दूं ना, तब भी यहां पे इमेज फॉर्म होगा, बात समझ में आ रहा है? अच्छा कैसे इमेज फॉर्म होगा, तो पहले ये डॉटेड लाइन बना लेना, फिर ऐसे दिखा देना, फिर यहां पे डॉटेड लाइन ऐसा बना दिया, फिर ऐसा दिखा दिया, तो मिरर का लेंथ कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो बहुत ही छोटा नेगलिजिबल हो, तब भी इमेज जो है मिरर और ऑब्जेक्ट, अब यू का मतलब क्या है, यहां से यहां का जो परपेंडिकुलर दूरी, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, मिरर से ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर दूरी, मिरर से इमेज की परपेंडिकुलर दूरी, तो यहां पर भी हम क्या बोलेंगे, यू और वी का वैल्यू सेम नहीं आया ऐसा समझ में, तो यू और वी हमेशा कैसे फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से मिरर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू होगा और इमेज से मिरर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी होगा, अब अगर प्लेन मिरर्स के कारण इमेज फॉर्मेशन पड़ रहे तो कुछ भी हो जाए यू और वी का वैल्यू सेम रहेगा, नहीं आया ऐसा समझ में, बात समझ में आ रहा है क्या, तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाएंगे और नोट इसमें क्या लिखना है, नोट ये लिखेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ मिरर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ मिरर U and V will always be same. Irrespective of the length of the mirror, U and V will always be same. अच्छा हमेशा याद रखना U मतलब perpendicular distance, V मतलब perpendicular distance. ये diagram draw कर लेंगे. ऑब्जेक्ट वन का वो ड्रॉ कर लेना, ऑब्जेक्ट वन का इमेज कहाँ बनेगा ये बताना, मतलब ऑब्जेक्ट वन का इमेज का कोऑर्डिनेट, इमेज का कोऑर्डिनेट आई वन और ऑब्जेक्ट टू के इमेज का कोऑर्डिनेट आई टू, तो आई वन और आई टू के कोऑर्डिनेट्स बताने कोशिश करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई वन एंड आई टू, ऑब्जेक्ट वन का इमेज आई वन, ऑब्जेक्ट टू का इमेज आई टू, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई वन एंड आई टू, एकदम आराम से सोचना सही बताना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई वन एंड आई टू,
what will be the coordinates of I1 and I2? सबने ये तो ड्रॉ कर लिया ना, सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को इमेज से जॉइन करने वाला जो लाइन होगा ये भी उतना ही एंगल इसे फॉर्म करेगा। नहीं आया था समझ में? ये समझ में आ रहा है? तो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 हो गया, लिख सकते हैं ना ऐसा। अभी अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट वन में ये बोला गया कि 0, 10 का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां का लेंथ 10 बोला गया है। हाँ यार, अगर ये 10 है, अगर ये मेरे पास 10 हो गया तो मेरे को क्या करना है, यहां से यहां का लेंथ 10 हो गया, अपने को ये लेंथ फाइंड आउट करना है। ये दूरी अगर मिल गई तो काम काफी आसान है क्या? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये कॉमन हो गया ना दो ट्राइंगल में, ये 45, ये 45, ये 90, ये 90, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या? तो जो रिमेनिंग साइड होगी ये इसके बराबर हो जाएगा ना, और यहां से यहां का लेंथ तो इसके बराबर होना ही था। आया समझ में क्या? मतलब यहां से यहां का लेंथ हो गया 10, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? एक्स एक्सिस है, यहां से यहां की दूरी 10 आ गई, 10, 0 होना चाहिए क्या? मतलब आई वन का कोऑर्डिनेट तो सर 10, 0 है। नहीं आया समझ में? 10 कहां गया? 10 कॉमा, ये मेरे पास x एक्सिस है ना, x एक्सिस में y को हमेशा 0 होता है ना। अगर तू 10 लिख देगा, मान ले 10, 10, इसका मतलब तू x में भी 10 चला गया, y में भी 10 चला गया, तो वहां नहीं करोगे क्या? समझ में आया ना? तो वो तो नहीं होगा अपना आंसर, तो 10, 0 अपना आंसर होगा। समझ में आया? सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर है। अब यहां को होता वो, दो मिनट रुक जाना, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो मिरर को अपनी मर्जी से ऐसा एक्सटेंड कर देते हैं, कर सकते हैं ना। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट और मिरर को जॉइन करने वाला लाइन हो, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 45 फॉर्म कर रहा है क्या? ऑब्जेक्ट और मिरर को जॉइन करने वाला जो लाइन है वो 45 फॉर्म कर रहा है, मिरर नहीं, ओरिजिन को जॉइन करने वाला लाइन जो है 45 फॉर्म कर रहा है। हां यार, तो इस ओरिजिन और इमेज को फॉर्म करने वाला जो लाइन होगा वो भी 45 डिग्री फॉर्म करेगा ना। समझ में आ रहा है सबको? फिर यहाँ कहीं पर ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये I2 हो गया। अब तुम खुद से सोचो, अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ, इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है -1, 0, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 10। नहीं आया सर समझ में? अभी सही था ना? अगर मैं बोल रहा हूँ ये -1, 0 है, तो सर यहाँ से यहाँ का लेंथ a हो गया, लेंथ a हुआ ना, ये सिर्फ x एक्सिस था इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अच्छा, फिर से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? ये एंगल सेम 90 और ये कॉमन हो गया, तो CPCT से ये लेंथ और ये लेंथ सेम बता सकते हैं ना। तो अगर यहां से यहां की दूरी है a और मेरे को इसका i2 कोऑर्डिनेट लिखना है, ये y के नेगेटिव में चल रहा है क्या? तो y के नेगेटिव में यहां से यहां का डिस्टेंस है a, तो कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? माइनस x, x तो 0 है ना, y कोऑर्डिनेट माइनस a है, तो नहीं आया समझ में। अब तुम दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर x कोऑर्डिनेट, जैसे यहां पे y कोऑर्डिनेट था तो यहां पे x में कन्वर्ट हो गया क्या? हां या ना, यहां पर x था तो यहां पे y में कन्वर्ट हो गया क्या? नहीं आया समझ में?
मतलब ये 45 डिग्री जो है वो कोऑर्डिनेट चेंज करते रहेगा, अगर x में है तो उसका आंसर y में हो जाएगा, अगर y में तो उसका आंसर x में चला जाएगा। नहीं आया था समझ में? दोनों क्वेश्चन समझ में आए? तो ये अपना i1 इमेज यहां पे फॉर्म हुआ था, ये i1 था और ये अपना i2। तो ये डायग्राम बनाना और फिर ये नोट डाउन करना, इतना ही लेने के आज। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना।